नमस्कार, मैं प्रताप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दीपावली आ गई है और रोशनी के इस त्योहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी को करें खुश और कुछ चमत्कारी उपायों के साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए दीपावली विशेष कार्यक्रम। दर्शकों, अगर आपके पास पैसे की कमी रहती है, पैसे आते तो हैं पर हाथ में टिकते नहीं हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं दीपावली विशेष कुछ उपाय। जो आप दीपावली के दिन करते हैं तो आपको जरूर से फायदा होगा और आपके घर में बरकत आएगी। और इसी को बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। महालक्ष्मी नमः। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से कि कौन से वो चमत्कारिक 51 उपाय हैं जो करने से आपके घर में बरकत आएगी और लक्ष्मी की वर्षा होगी। जय मां लक्ष्मी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों पर मां लक्ष्मी का, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, क्या आप अपनी दरिद्रता से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या आपको लगता है कि कर्ज रूपी राक्षस आपका पीछा नहीं छूट रहा है? क्या आप चाहते हैं कि इस बार दीपावली का त्योहार आपके जीवन में छाए काले अंधेरों को दूर करके आपके ऊपर धन की वर्षा करे? यदि हाँ, तो आज मैं आपके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनमोल खजाने में से कुछ सरल और बगैर खर्चे के कुछ ऐसे उपाय लेकर आया हूं जिनको दीपावली के दिन करने से, छोटी दीपावली के दिन करने से, बहुत जल्द जो है वो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है, उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। ऐसे उपाय जो कि आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसाने वाले 51 उपाय बता रहा हूं। ये उपाय हर कोई कर सकता है अपनी दरिद्रता को खत्म करने के लिए। यदि आप चाहें तो सारे उपाय करें और या सिर्फ कोई एक उपाय भी करके आप अपनी दरिद्रता को खत्म कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को खत्म कर सकते हैं और इस बार जो दीपावली का जो त्योहार है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदुओं के सभी पर्वों में दीपावली का सबसे अधिक महत्व माना गया है। दीपावली के पर्व पर धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किया जाता है और यदि इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो अगली दीपावली तक लक्ष्मी कृपा से आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं उन 51 चमत्कारी उपायों को जिनको करके आप कर सकते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न। कागज पेन लेके जल्दी से बैठ जाइए क्योंकि एक एक उपाय मैं आपको बताता जा रहा हूं। दीपावली पे जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो उसमें याद करके आपको हल्दी की गांठें, साबुत हल्दी की जो गांठें आती हैं वो आपको पूजा में रखनी है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजन करने के पश्चात में हल्दी की जो गांठें हैं उनको आप घर में उस स्थान पे रख सकते हैं जहां आप धन रखते हैं, घर की तिजोरी में रख सकते हैं और उन्हीं में से कुछ हल्दी की गांठें यदि आप व्यापारी हैं तो अपने कैश काउंटर में, गले में यदि आप रखते हैं तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलता है। लक्ष्मी का आगमन आपकी तिजोरी में हमेशा बना रहता है। उसी के साथ साथ में यदि एक वो हल्दी की गांठ को पीले कपड़े के अंदर बांध कर दरवाजे के ऊपर यदि आप लगा देते हैं, मुख्य द्वार के ऊपर लगा देते हैं तो किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, हारी बीमारी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो एक हल्दी की गांठ इस बार आपकी दीपावली को बहुत महत्वपूर्ण बना सकती है, आपके सभी दुखों को दूर कर सकती है। अगला उपाय, दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपए का सिक्का लें, 10 रुपए का नोट लें
उस सिक्के को या 10 रुपए के नोट को अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अपने गले में रख लीजिए, हरे कपड़े में बांध कर ध्यान रखिएगा। हरे रंग का कोई कपड़ा हो उसमें उस पैसे को बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। पूरे वर्ष दौरान आपको बरकत बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि किन्नर को आपको 10 रुपए के बदले 100 रुपए देने, उसके साथ साथ यदि हो सके तो हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की बिंदी किन्नर को अवश्य प्रदान करें, दान करें। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक जो हमारी ड्रेस होती है उसमें दिख जाए तो समझ जाइएगा कि इस बार माँ लक्ष्मी जो है वो आपके ऊपर मेहरबान होने वाली है, शुभ शकुन माना जाता है। ऐसा होने पर यदि आपको दिखता है और नहीं भी दिखे तो दीपावली के दिन किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को, ध्यान रखिएगा जरूरतमंद सुहागन स्त्री को, सुहाग की सभी सामग्री जो होती है वो दान कीजिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में, आपके जीवन में हमेशा स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। अगला उपाय, दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन और भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करें। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उसका कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, भगवान गणेश जी का त्योहार है, तो कुबेर देवता जो कि लाभ प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, धन कोश के स्वामी है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वणाय धन धान्य दीपते धन्य धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। निश्चित तौर पे भगवान कुबेर जो है वो प्रसन्न होके आपके घर में चर रूप से निवास करने लगते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख बजाइए। शंख नहीं हो तो घंटी बजाइए, घंटी नहीं हो तो डमरू बजाइए। शंख बजाने से, घंटी बजाने से, डमरू बजाने से घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, घर के अंदर जो दरिद्रता है वो बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती है, हमारे हिंदू शास्त्रों में विधान है और हमने बचपन से भी ये देखा है कि दीपावली का त्योहार आता है और घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है। क्यों? माँ लक्ष्मी का हम वेलकम करते हैं, उसके साथ साथ में देव उठनी एकादशी आने वाली है। हमेशा हर घर में एक नियम होता है कि पत्नी जो है वो पति से पहले जागती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है। तो चूंकि देव उठनी एकादशी आने वाली है, भगवान विष्णु जो है वो अपनी निद्रा से जागने वाले हैं, तो उससे पहले जो है उनकी धर्म पत्नी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर रही है। तो माँ लक्ष्मी का जो त्योहार है, घर की साफ सफाई का जो त्योहार है, वो इसीलिए मनाया जाता है कि माँ लक्ष्मी आ गई है और अब भगवान विष्णु भी प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पंडित जी से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 51 उपाय जान रहे हैं, तो आइए आगे भी जो उपाय हैं वो जान लेते हैं पंडित जी से। माँ लक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र अवश्य रखना चाहिए। गोमती चक्र एक आसानी से उपलब्ध होने वाला पत्थर है, उसके ऊपर चक्र बने हुए होते हैं, पूजा सामग्री की दुकान पे अवश्य मिल जाएगा। गोमती चक्र जो है यदि आप अपने पूजन में रखते हैं, तत्पश्चात में आप घर के लॉकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, अपने कैश काउंटर में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर धन संबंधी लाभ मिलता है। और दीपावली के दिन, ठीक अमावस्या वाले दिन यदि आप गोमती चक्र को गले में धारण करते हैं तो हर तरह की शुभता आपको प्राप्त होती है। और वहीं यदि दीपावली के दिन गोमती चक्र यदि आप किसी जल में डाल दें तो वह अमृत का काम करने लगता है, और किसी गंभीर रोगी को वो उस जल को पिला दीजिए तो निश्चित तौर पे लाइलाज बीमारियां, गंभीर बीमारियों से उस रोगी को मुक्ति मिलती है। दीपावली पर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आराधना करें, उनकी पूजा करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, तत्पश्चात में हनुमान जी की आरती करें।
किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी ऐसा दीपक लगा सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं और भगवान कुबेर की पूजा कर रहे हैं, तो साथ में हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस कलयुग के अंदर किसी देवता को अजर अमर माना गया तो वो हनुमान जी महाराज है, आज भी पृथ्वी पर मौजूद है किसी रूप में। तो दीपावली पर हनुमान जी को पूजना मत भूलिएगा। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाइए और घर लौट कर आ जाए। ध्यान रखिए, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। निश्चित तौर पे आपका जो दुर्भाग्य है वो आपसे पीछे छूट जाएगा, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे पीछे छूट जाएगी। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बांधनवार अवश्य बनाइए और उसे मुख्य द्वार पर लगाइए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है, और चूंकि महालक्ष्मी प्रवेश करने वाली है और अशोक के पेड़ के जो पत्ते हैं वो मां लक्ष्मी को शीघ्र आकर्षित करते हैं, तो बांधनवार अवश्य लगाइएगा। किसी शिव मंदिर में जाइए दीपावली के दिन, वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल जो है वो चढ़ाइए। ध्यान रहे, सभी चावल जो है वो पूर्ण होने चाहिए, खंडित जो चावल है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर दीपावली पर शिव पूजन करने से पूरे वर्ष के दौरान भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, भोलेनाथ का, मां पार्वती का, भगवान गणेश का, रिद्धि सिद्धि का, शुभ लाभ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस बार का जो दीपावली का त्योहार है, आप देखिए कितना विशिष्ट संयोग बना हुआ है। धन त्रयोदशी जो है वो सोमवार के दिन, रूप चतुर्दशी जो है वो मंगलवार के दिन, और बुधवार व्यापारियों के लिए तो इस बार की जो दीपावली है वो विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रही है, क्योंकि बुधवार के दिन दीपावली का त्योहार आना निश्चित तौर पे अगले एक वर्ष के दौरान उनके व्यापार में चार चांद लगा सकता है, बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, दीपावली के दिन गौ सेवा करना मत भूलिएगा। दीपावली के दिन गौ सेवा जो है वो विशेष रूप से आपको शुभ फल प्रदान करने वाली रहेगी। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा। यह उपाय आपको दीपावली की रात को शाम को करना है। ध्यान रखिएगा, दीपक लगाकर अपने घर लौट कर आ जाइएगा, पीछे मत देखिएगा। यदि संभव हो सके तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें, जितनी देर आप खुला रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के घर के ऊपर चरण घुमा कर जाती है। मां लक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। पहले जमाने में कौड़ियां चला करती थी, आजकल तो हम कौड़ियों के महत्व के बारे में भूल चुके हैं, लेकिन ये जो कौड़ियां हैं, ये एक छोटी सी जो चीज है, ये कौड़ी जिसको हम बोलते हैं, ये जो कौड़ी है वो जो कौड़ी है वो आपके जीवन में बड़े से बड़े जो कर्ज है उससे मुक्ति मिला सकती है, आपको बड़े से बड़े धन का सुख आपको प्रदान कर सकती है। आपकी धन से संबंधित परेशानियों को खत्म कर सकती है, तो पूजा में आप कौड़ी अवश्य रखिएगा। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा घी का दीपक अवश्य जलाएं, जिसमें कम से कम 9 बत्तियां लगाई जा सके, और सभी 9 बत्तियां जलानी है आपको और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अपने दुकान, कंप्यूटर इत्यादि ऐसी चीजें भी पूजा करें जो कि आपकी कमाई का जरिया हो, साधन हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा। इस दीपावली पर लक्ष्मी जी को खुश करने के 51 चमत्कारिक जो उपाय हैं वो आगे भी हम आपको बताते रहेंगे।